तो दोस्तों आज जा रहा हूँ, मेरा ड्राइविंग का नॉलेज टेस्ट है, यहाँ पे सर्विस बीसी में अपॉइंटमेंट है, तो अपॉइंटमेंट पहले से ही ले लिया था, अभी जाते हैं, बाद में पता चलेगा कैसा रहेगा। पास होते हैं तो ज्ञान बांटेंगे, क्योंकि जब खुद ही पास नहीं होगे तो आपको क्या बोलोगे। प्रिपरेशन तो अच्छी वाली की है, लेकिन वो जब पास होगे तब आप सबको बताएंगे क्या था, कैसा है एक्सपीरियंस। और आज तो बहुत स्नो पड़ गया, आप बैकग्राउंड में देख सकते हो, बहुत स्नो पड़ा पूरी रात, और हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही है। तो बस नॉलेज टेस्ट के लिए अभी जा रहे हैं, होप सो पहले ही अटेम्प्ट में निकल जाएंगे, और निकल गए तो बाकी आपको वीडियो में बताएंगे कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस, क्या क्या हम ध्यान रख सकते हैं, या तो कैसे पास कर सकते हैं। अगर मैं खुद पास हुआ तो ही आपको ज्ञान बांटूंगा, नहीं तो फिर जब पास होगा तब वीडियो पोस्ट करूंगा। ठीक है दोस्तों, तभी टाइम हो गया है, थोड़ा चल के जाना है, और जैसे ही कंप्लीट होता है आपको क्या न्यूज़ है वो बताऊंगा। मतलब वीडियो आया तो समझ लेना कि पास हो गए, नहीं तो फिर हरी हरी। ठीक है दोस्तों, तो अभी हवा चल रही है, थोड़ी ठंड भी है, और बस अभी तो जाते हैं, देखते क्या होता है। और चलो उसके लिए अभी वो तो बताएगी, लेकिन यहाँ का आज का नज़ारा भी देख लो, क्योंकि ब्रिटिश कोलंबिया की जो खूबसूरती नहीं देखी आपने तो क्या देखा जाए। कनाडा में यही है सब, मस्त स्नो पड़ा है, ठंडी इतनी भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ी हवा चल रही है तो दिक्कत हो रही है। तो चलो अभी अगले पार्ट में देखते हैं दोस्तों क्या हुआ, मिलते हैं। तो दोस्तों अपना नॉलेज टेस्ट है वो क्लियर हो गया है, और अभी मिल गया है लर्निंग लाइसेंस, और वो हम खुद अपने आप नहीं चला सकते, हमें सुपरविजन में ड्राइव कर सकते हैं, और एक एल का साइन आता है जो अपनी गाड़ी पे लगाना होता है। अभी ये लाइसेंस अपने को कैसे मिला, क्या प्रिपरेशन है, और कैसे हम पास कर सकते हैं, अभी ज्ञान बांट सकते हैं, क्योंकि खुद फेल हो जाए तो लोगों को ज्ञान बांटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी हम पास है तो किसी को कुछ बोल सकते हैं। तो आपको बाकी की डिटेल घर पे जाके समझाएंगे कि भाई क्या तैयारी करनी है, कैसे करनी है, अब नेक्स्ट क्या है। अभी नेक्स्ट रोड टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करना है, थोड़ा बाद में अपॉइंटमेंट ले लेंगे, और रोड टेस्ट क्लियर करते ही अपने को फुल लाइसेंस मिल जाएगा। और एज अ वर्कर जो इंडिया से अपना लाइसेंस है तो अपना एक स्टेप स्किप हो जाएगा, तभी नेक्स्ट सीधा लर्निंग के मतलब नॉलेज टेस्ट के बाद अभी आएगा रोड टेस्ट, तभी घर पे जाके बाकी की बात करेंगे। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पटेल्स कैनेडियन लाइफ में। तो आगे जो बात हुई उस हिसाब से मेरा नॉलेज टेस्ट है ICBC का, वो पास हो गया हूँ मैं। अभी उसमें ऐसा है कि सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है ICBC की साइट पे, और वहाँ जाके मैंने अपॉइंटमेंट ली, और जो लिंक है जो ब्रिटिश कोलंबिया के जो लोग हैं जहाँ पे उनको लाइसेंस बनवाना है, तो मैं उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और बस यही है, पास हो जाते हो तब पहले तो आपके लर्नर जो लाइसेंस है वो मिलेगा आपको, मतलब ये लर्निंग लाइसेंस है, और आपको जब भी गाड़ी चलानी है तभी अपनी गाड़ी पे लगाना है एल का लाइसेंस, मतलब जो ये साइन है वो मैग्नेटिक आता है, आप ये यूज़ कर सकते हो। लेकिन ड्राइविंग जो लर्निंग लाइसेंस है वो आप अकेले नहीं चला सकते, उसके लिए आपके पास सुपरवाइज होना चाहिए, मतलब कि जिसके पास लाइसेंस है एक्सपीरियंस बंदा है वो आपके बाजू में बैठेगा, और तब जाके आप ये जो है वो चला सकते हो। तो ये लाइसेंस लेने के बाद की प्रोसेस है। उसके बाद है हमें एक ये जो कार्ड वहाँ से देते हैं, जो हमने मतलब ये यूज़ करना है कि आपको जो अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो आप ये बुक कर सकते हो, और साथ में एक छोटा सा ये कागज़ भी मेरे को दिया था थोड़े इन्फॉर्मेशन के लिए, और साथ ही ये पूरी बुक्स दी है रोड टेस्ट की जो प्रिपरेशन करनी है उसके लिए। तो दोस्तों ये है,
अब मेन मुद्दे पे आते हैं दोस्तों कि क्या है, कैसे करना है। मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मेरा जो नॉलेज टेस्ट की प्रिपरेशन थी, आप प्ले स्टोर में जाओगे गूगल में या तो आप iOS में जाओगे तो बहुत सारी एप्लीकेशन है जहाँ पे आप जो है वो मतलब जो नॉलेज टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हुआ था, आगे भी काफ़ी सारे दोस्तों ने वीडियो डाले हैं, उनके हिसाब से उनका जो नॉलेज था वो भी हमने थोड़ा गेन किया और उस हिसाब से देखे तो मैंने ICBC की ऑफिशियल जो ऐप है वो डाउनलोड की और जाके वहाँ पे मैंने बहुत सारी प्रिपरेशन मतलब कि बहुत बार अब मैंने रिपीट टेस्ट किए। जब भी मैंने शुरुआत की तब 48, 40 या तो 50 तक आके रुक जाता था, धीरे 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 रिपीटेशन बढ़ता गया क्योंकि वो ऐप में सिर्फ 200 क्वेश्चन ही है, मतलब आप 200 क्वेश्चन बहुत बार रिपीट कर लेंगे तो उसमें तो कुछ नया आने वाला नहीं है। तो बेस्ट पार्ट यही है कि आप प्रिपरेशन करनी है तो आप जो ब्रिटिश कोलंबिया में हो तो ICBC की ऑफिशियल ऐप आती है, वहाँ पे जाके आप वो मतलब अपनी ऐप इंस्टॉल कर लो, उसमें जाओ और आप जाके वहाँ पर कीप प्रैक्टिसिंग। जब तक मेरा 95+ आना शुरू नहीं हो गया है उस ऐप में तब तक मैंने वो प्रिपरेशन शुरू रखी, बाद में मैंने अपॉइंटमेंट ले ली क्योंकि आप वहाँ पे 95+ जाओगे तो आपको मतलब यहाँ पे जो है 50 क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में और उसमें से आपको 40 क्वेश्चन लाने हैं, आपके 40 या मतलब सॉरी आप 10 क्वेश्चन गलत कर सकते हो, जैसे गरबा किया आपका मतलब एग्जिट हो जाएगा। या तो आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे वहाँ पे आपको क्वेश्चन आपको पूछेंगे उस हिसाब से आपने जो 50 क्वेश्चन में से जैसे आपके 40 करेक्ट आंसर हो जाता है वहाँ पे आपका स्टॉप ख़त्म हो जाएगा, मतलब जो है एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, एक मैसेज हो जाएगा कि भाई कॉन्ग्रेचुलेसन आपने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आपने इतने गलत है और पास कितने हैं। और आप वहाँ पे एक कियोस्क जैसा आता है, वहाँ पे काफ़ी लैंग्वेज के भी ऑप्शन आते हैं तो वहाँ पे आपको पूछेंगे कि आपको कौन सी लैंग्वेज करनी है, वहाँ पे आपको जो आप पंजाब से हो आप पंजाबी जानते हो तो बेस्ट पार्ट एग्ज़ाम में यहाँ ब्रिटिश कोलंबिया तो मेरे नॉलेज में है, मैंने देखा कि वहाँ पे पंजाबी का भी ऑप्शन है, हिंदी का नहीं है, इंग्लिश है और अदर लैंग्वेज है, चाइनीज़ है, फ्रेंच है और काफ़ी सारी लैंग्वेज है, लेकिन इंडियन में लैंग्वेज में सिर्फ पंजाबी का ऑप्शन है तो आप वो जो टेस्ट में आप पंजाबी का भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। तो प्रिपरेशन के लिए ICBC की जो ऑफिशियल ऐप आती है या तो सर्विस BC में जाओगे तो आपको एक उसकी प्रिपरेशन के लिए एक बुक भी मिलती है, जैसे मैंने अभी रोड टेस्ट की बताई वैसे ही आप वहाँ पे जाके भी कलेक्ट कर सकते हो। तो आप पहले वहाँ पे जाके स्टडी कर लो, फिर उसके बाद आप यहाँ पे जो ICBC की ऐप है उसमें आप प्रैक्टिस टेस्ट देते रहो, वहाँ पे भी थोड़े ट्यूटोरियल वीडियो भी है थोड़े, वहाँ पे भी मतलब जो मतलब ई PDF बोलते हैं, मतलब PDF जो है वो आपको ऐप में भी मिल जाएगी ली तो वहाँ पे भी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो सबसे पहला काम है आपको प्रिपरेशन करना, अपॉइंटमेंट लेना, अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको सर्विस BC में आप 5 या 10 मिनट पहले जाओ अपॉइंटमेंट, उस टाइम पे आपका एक रजिस्ट्रेशन करेंगे, वहाँ पे जो आप स्टूडेंट में हो तो एज ए स्टूडेंट के वहाँ पे आपको स्टडी परमिट दिखाना होता है और आप जो वर्क परमिट में हो तो आपको वर्क परमिट का वो परमिट दिखाना है, एक आपकी ID मांगेंगे और ये सब करने के बाद मेन पार्ट जो है वो है आपका इंडियन लाइसेंस। अगर आपके पास जो इंडियन लाइसेंस होगा तो आप जैसे ही आते हो यहाँ पे कनाडा में तो 90 दिन तक आप ड्राइव कर सकते हो बिना कोई मतलब परमिशन के या कुछ भी, आप इंडियन लाइसेंस पे 90 दिन तक आप ड्राइव कर सकते हो, जैसे 90 दिन ख़त्म होते हैं आप अपने रिस्क पे आप चला सकते हो, कुछ भी लफड़ा होता है तो आप पे जाता है। तो एज ए इंटरनेशनल मतलब इमिग्रेंट आप स्टूडेंट आते हो या तो फिर वर्क परमिट आते हो या PR आते हो तो इंडियन लाइसेंस पे आप 90 दिन तक गाड़ी चला सकते हो। अगर आप इंडिया से इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के आते हो तो आपको 1 साल तक आप ड्राइव कर सकते हो, लेकिन मैंने 90 दिन तक तो वहाँ पे कुछ ड्राइव ही नहीं किया लेकिन मेरा 90 दिन से ज़्यादा हो गया तो मेरे को उन्होंने आज पूछा कि आप क्या यहाँ का आपका मतलब ड्राइविंग मतलब जो लर्निंग लाइसेंस लेना चाहते हो या फिर अपने रिस्क पे आप चलाना चाहते हो, तो कोई भाई ऐसा तो कोई बोलेगा कि ना भाई मेरे रिस्क पे मैं गाड़ी चलाऊंगा, तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे लर्नर दे दो, तो
तो उन्होंने मेरा जो ओरिजिनल जो इंडिया वाला लाइसेंस था वो उन्होंने सरेंडर कर लिया, मतलब ले लिया। और दूसरी बात यह है कि आप जब भी इंडिया से आते हो तो आपको वहाँ पे एक साथ में डीएल एक्स्ट्रा आता है। वो डीएल एक्स्ट्रा में क्या होता है कि आपकी जो लाइसेंस की हिस्ट्री होती है कि आपने कब बनवाया, कितने साल चलाया, या तो आपने कोई एक्सीडेंट हुआ तो भी उसका मेंशन होगा, या कुछ भी होगा, मतलब आपकी लाइसेंस की पूरी हिस्ट्री होती है। आप एड्रेस चेंज करो या कुछ भी चेंजेस करोगे वो डीएल एक्स्ट्रा में शो करता है। तो आपको जो ये लेके आते हो तो बेस्ट पार्ट यही है कि जो एक जो होता है कि स्टेप वो स्किप हो जाएगा। जैसे अदर प्रोविंस में है G1, G2 और G लाइसेंस, तो जैसे इंडिया का लाइसेंस होगा आपके पास 2 साल से पुराना, मतलब 2 साल से ज़्यादा आपका होगा, तो आप उसका जो मतलब G2 है वो स्किप हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, आप नॉलेज टेस्ट दोगे, फिर आपको 1 साल तक मतलब वेट करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस होना चाहिए, बाद में जाके आप रोड टेस्ट दे सकते हो। तो मेरा यही था कि मेरा तो बहुत साला या आई थिंक 2005 का मेरा इंडियन लाइसेंस था, तो ऑलमोस्ट 17 ईयर मेरा एक्सपीरियंस था ड्राइविंग का। तो उस हिसाब से आपको जब फी भी भरनी होती है तो आपका इंडिया का लाइसेंस जितना भी पुराना होगा फी भी उसी हिसाब से काटेगी। मेरी यहाँ पे अभी नॉलेज टेस्ट की $15 मेरा चार्ज किया, और मेरा मतलब जो बोला आपको हिसाब से कि मेरा लाइसेंस सरेंडर ले लिया, और सामने मेरे को यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस जो लर्नर है वो दे दिया। तो यही है दोस्तों, तो आप प्रिपरेशन के लिए ICBC की आप डाउनलोड करो, सर्विस BC में जाके आप एक नॉलेज टेस्ट की जो आती है बुक वो आप कलेक्ट कर लो, प्रैक्टिस करो। और दूसरी मेन पार्ट आपको वो बताना भूल गया मैं, कि जब भी आप टेस्ट देते हो तब आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन यही है, ये आप प्रोटीप ही गिन लो, कि आपके पास एक ऑप्शन आता है स्कीप का ऑप्शन आता है। आपको जो 50 क्वेश्चन आते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन, कोई एक क्वेश्चन है जिसको आप 2 बार स्किप कर सकते हो, मतलब हर एक क्वेश्चन को आप 2-2 बार स्किप कर सकते हो। तो जब भी आपको लगता है कि भाई श्योर नहीं है, स्ट्रेट अवे स्किप करो, क्योंकि आप शुरुआत में ही गलत दे दोगे तो आपका टेस्ट वहाँ पे ही एंड हो जाएगा। तो जब तक आपके श्योर वाले क्वेश्चन है वो कंप्लीट करो, हो सके कि आपको वो स्किप वाले क्वेश्चन की फिर से जरूरत ही ना पड़े, उससे पहले ही आपके 40 हो जाएंगे। तो यही प्रो टिप है कि क्वेश्चन आपको श्योर नहीं है तो पहले आप स्किप ही कर दो बिंदास, क्योंकि आप 2 बार भी आपको स्किप करने मिलेगा, ऐसा नहीं कि एक ही बार। अभी क्वेश्चन स्किप किया, दूसरी बार भी आपको लगे कि अभी भी श्योर नहीं तो उसको स्किप कर दो, फिर उस लास्ट में आपको उसको देख लेंगे। तो आप टेस्ट देने जाते हो तो आप प्रिपेयर होके जाइए, और साथ साथ में ये मैंने स्किप वाला बोला आप बिंदास ध्यान रखिए, उसके साथ आप जो ICBC के ऐप में आते हैं ऐसा ही नहीं कि भाई उसमें डिटो आएगा, थोड़े बिहेवियर क्वेश्चन आएंगे, थोड़े लॉजिकल क्वेश्चन भी आएंगे कि ये है तो क्या है। आप जैसे मेरा क्वेश्चन था कि भाई अल्कोहल आपने पिया है तो मतलब वो कैसे उसको आप उसकी इफेक्ट कम कर सकते हो, कि भाई आप कुछ मतलब ड्रिंक पी के या पानी पी के कम कर सकते हो, या वक्त के हिसाब से कम हो जाएगा। तो वही ऐसे एक भी थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन भी आते हैं तो वो भी आप ध्यान रखना। मैं तो इतना ज्ञानी नहीं हूँ कि इतना भी ज़्यादा भी आपको नॉलेज जाड़ू, ये तो मेरा जो आज की जो जर्नी थी वो आपको बता दी, और यही है। उसके अलावा आपको कुछ भी क्वेश्चन है ये ड्राइविंग टेस्ट के, या मतलब जो भी आपको ये कैनेडा का लाइसेंस चाहिए, मतलब पर्टिकुलर BC प्रोविंस की बात कर रहा हूँ मैं, तो कुछ भी क्वेश्चन है आप कमेंट में डालिएगा, मेरा जो भी नॉलेज है उस हिसाब से आपको आंसर करने का ट्राई करूँगा। और इसा और भी आप चैनल में भी नए हो, आपको लगता है कि भाई ये जो आगे वाले वीडियो या तो करंट वीडियो आपको कुछ भी काम आया तो आप चैनल सब्सक्राइब करो, और कुछ अच्छा लगे तो आप शेयर भी कर लेना। तो ये मेरा बात जो ही आपको कन्वर्जेशन हुआ आप में कुछ प्लस लगे तो आप लाइक भी कर देना, और भी कुछ नॉलेज वाले कोई भी वीडियो आएगी तो डेफिनेटली आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। तब तक मिलते हैं, हैव अ गुड डे, गुड बाय।